हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिटेल्स कवर करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2021 इन गवर्नमेंट कॉलेज। पे स्केल ऑफर हो रही है 7th यूजीसी 7th पे स्केल प्लस अलाउंसेस लाइक डीए एचआरए एटसेट्रा अलाउंसेस भी ऐड होंगे। ये सभी पोस्ट आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। यहाँ कोई इशू नहीं है कि खास स्टेट के कैंडिडेट ही एप्लीकेशन डाल सकते हैं। किसी भी स्टेट से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट अगर एलिजिबल हो और इंटरेस्टेड हो तो एप्लीकेशन डाली जा सकती है। तो पूरी डिटेल के लिए हम आगे बढ़ेंगे सीधे एडवर्टीजमेंट की तरफ, ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करेंगे। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें नोटिफिकेशंस के लिए। कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको तीन वैकेंसीज यहां पर चेक करनी है। सबसे पहले वैकेंसी है ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइटेड फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर व्यू। यहां पर आपको सभी पोस्ट के लिए मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, पे स्केल ऑफर हो रही है। पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन है यहां पर, ये इसमें 6 पे स्केल ऑफर हो रही है। और ये थर्ड वन है डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, वॉक इन इंटरव्यू है, तो ये लोकल थर्ड वाली है, लोकल कैंडिडेट्स के लिए अच्छी रहेगी। बाकी सभी की डेट्स निकल चुकी हैं। अभी हम पहले देख लेते हैं सबसे पहली वाली वैकेंसी, ये स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। हम पहले शुरू से देखते हैं, ये वैकेंसी आपकी आ रही है हंसराज महाविद्यालय, हंसराज कॉलेज एफिलिएटेड अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यहां पर जो नोटिफिकेशन है वो 4 जनवरी 2021 की है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइटेड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एट वेब लिंक। देखें, एप्लीकेशन करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो भी कॉलेज आते हैं उसमें एप्लीकेशन करने के लिए ये लिंक होती है। इसी लिंक से जाकर आप रजिस्टर करें और एप्लीकेशन डाल दें। यहाँ पर यूजीसी 7th पे स्केल मैट्रिक्स लेवल 10, सैलरी 75,000 अप्रोक्स या अबव बननी चाहिए मंथली सैलरी। सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन फी बिल्कुल होती है यहाँ पर 500 रुपीज होनी चाहिए या फिर उससे ज्यादा हो सकती है, ये आपको लिंक में रजिस्टर करने के बाद पता चलेगी। एज यहाँ पर एप्लीकेशन फी है इसलिए आप अच्छी तरीके से सोच समझ कर एप्लीकेशन डालें। हाउएवर अप्लाई फ्रॉम एनी स्टेट। बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, फिजिक्स, संस्कृत एंड जूलॉजी। इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन की विद इन 3 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज। एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश होने के 3 हफ्ते तक, 3 वीक्स तक आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट न्यूज में अभी तक पब्लिश नहीं हुई है तो काफी वक्त मिलेगा आपको। यहां पर जो डिटेल नोटिफिकेशन है अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आई है, डिटेल नोटिफिकेशन भी आएगी मे बी विद इन 1 वीक, 1 वीक के अंदर डिटेल नोटिफिकेशन आनी चाहिए। यहां पर आपको एज क्राइटेरिया एटसेट्रा मेंशन मिलेगी। फिलहाल अगर आप समझना चाहें तो नेट सेट या फिर पीएचडी वाले कैंडिडेट पीजी 55% मार्क्स कंसर्न सब्जेक्ट में एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल होते हैं, अप्लाई फ्रॉम एनी स्टेट। साथ ही साथ कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए कुछ रिलैक्सेशन होती है एज में भी और परसेंटेज में भी, तो वो डिटेल नोटिफिकेशन में चेक की जा सकती है। डिटेल नोटिफिकेशन या तो आप इस वेबसाइट पर आनी चाहिए मोस्टली, फिलहाल मुझे तो डिटेल नोटिफिकेशन नहीं मिली। ये पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप, 1 पोस्ट है, 56 ईयर से पे बैंड 15,600 की पे बैंड मिल रही है, ग्रेड पे 6,000, तो ये 6 पे कमीशन के हिसाब से हो रही है, तो इसमें 55,000 सैलरी बननी चाहिए। ये डिप्टेशन पर है, इसके पहले वाले में कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज नहीं है तो इसका मतलब इसे आप परमानेंट कंसिडर कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। आप 1 बाय 1 सारे डाउनलोड करें पीडीएफ, ये 1, 2, 3 एंड एप्लीकेशन डाल दें अगर आप इंटरेस्टेड हो। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।